What's up everybody, we are back with another video. So आज हम लोग खेल रहे हैं Minecraft. मैं अपने Android डिवाइस में खेल रहा हूँ. So let's get started. बस आशा करता हूँ कि मुझे कोई एक अच्छी जगह मिल जाए, क्योंकि Minecraft में एक अच्छी जगह मिलना बहुत मुश्किल है obviously. सो गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे कैसे खेलना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस गेम को बहुत बार खेल चुका हूँ. तो मैं इसे आपको बताऊंगा कि इसे कैसे खेला जाता है. मैं पूरी तरीके से इसे समझ चुका हूँ. तो अब हम अपने घर बनाते हैं. सो अभी अपने वुडन घर, मतलब कि कोई एक परमानेंट हाउस को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो हम लोग कोई अंडरग्राउंड हाउस बनाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वुड्स की ज़रूरत है, जो अभी मैं तोड़ रहा हूँ. हमें ये एटलीस्ट 4 to 5 चाहिए. और उसके बाद हमें कोई अपनी एक अच्छी सी प्लेस ढूंढनी होगी, ताकि हम अपना अंडरग्राउंड हाउस बना सके. ये तो कोई हिली एरिया है, तो हम यहाँ पर तो अपने कोई घर बना नहीं सकते अंडरग्राउंड. सो मैं गिर गया. यहाँ पर कुछ माइंस, मतलब कोल माइंस भी है. यहाँ पर हम अपने कोल भी ढूंढना आसान होगा. मीन्स मुझे हमें ठीक ठाक जगह ही मिली है यहाँ पर. इस सैंड में भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर इस सैंड में हम अपने अंडरग्राउंड घर को बना नहीं सकते. माइनक्राफ्ट की तरफ से तो हम इसे नहीं बना सकते अपने सैंड्स में. तो हमें कोई अच्छी सी जगह चूज़ करनी होगी. आई थिंक ये प्लेस सही रहेगी अपने घर को बनाने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने घर को अंडरग्राउंड बनाया, तो हम लोग को पहले यहाँ पर थोड़ी डिगिंग करनी होगी. सो हम बस एक पुराना सा, मतलब कि एक गरीबों वाला घर बनाने वाले हैं. सो हमें पहले सीढ़ियाँ बनाना स्टार्ट करनी चाहिए. यहाँ पर स्टोन्स है, पत्थर है, इसलिए हमें यहाँ पर अपने एक पिकैक्स बनानी होगी. तो हमें शायद, मुझे लगता है कि हमें एक पहले एक पिकैक्स बना ही लेना चाहिए. हमें एक पिकैक्स बना ही लेना चाहिए. पिकैक्स बनाने के लिए हमें अपनी क्राफ्टिंग खोलना होगी. क्राफ्टिंग में एक वुड रखे, नहीं मतलब कि ये गलती हो गया मेरे, एक वुड रखना होगा हमें. एक वुड रखे, ये एक सारे प्लैंक्स उठाते रहे और बाकी के वुड रख दें हमें आगे की आगे बहुत ज़्यादा. और इसके प्लैंक को एक साथ रखने हैं चार में. उसके बाद वो क्राफ्टिंग बॉक्स हमें मिल गई. सो ये क्राफ्टिंग बॉक्स को उठाना है और एक तरफ लोकेट कर देना और इसको खोलना. इसमें हमें एक पिकैक्स बनाना है. तो पिकैक्स बनाने के लिए हमें स्टिक की ज़रूरत है. तो दो प्लैंक्स को एक साथ रखने के बाद एक स्टिक मिल जाएगी. उस स्टिक को हमें दो तरफ वापस हम इस तरीके से लगानी है. उसके बाद प्लैंक्स को ऊपर लगा देना. हमें एक पिकैक्स मिल गई यहाँ पर. सो हमें एक एक्स की भी ज़रूरत है, तो हम एक एक्स बना लेते हैं. एक्स बनाने के तरीके मैं अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये एक्स भी हमें मिल गई है. सो अब हम अपने क्राफ्टिंग बॉक्स को अंदर रखें, इसलिए इसे भी ले लेते हैं. सो अब हमें खुदाई स्टार्ट करनी चाहिए. ओ
और यहाँ पर स्टोन है तो स्टोन सिर्फ पिकैक्स से ही टूट सकती है, तो हमें अपने पिकैक्स को ही यूज़ करना होगा। सो अब ये स्टोन्स को तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगती है इन स्टोन्स को तोड़ने में, सो हमें एक स्टोन पिकैक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। सो मैं इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्टोन पिकैक्स को कैसे बनाई जाती है। सो पहले हम अपने एक घर को बना अरे हाँ, हमें कोल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो हमें माइन कोल माइंस में मिलेंगी। सो अभी के लिए इतनी काफ़ी है, हमें पहले एक दरवाज़ा भी बना लेते हैं क्योंकि जॉम्बीज़ के भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस टाइम में, मीन्स क्रीपर्स। और हाँ, हमें एक स्टोन की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसकी नाम है फर्नेस। फर्नेस बनाने के लिए हमें आपको इस तरीके से कुछ काम करने होंगे जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। एज यू कैन सी, हमें एक फर्नेस मिल चुकी है। अब हमें इसे एक तरफ हमें अपने लगा लेना, तो मैं इसे क्राफ्टिंग बॉक्स के बगल में रख रहा हूँ। अब हमें गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास वुड्स तो शायद है, तो हाँ है मुझे, मेरे पास प्लैंक्स है, मीन्स प्लैंक्स को हमें, हाँ प्लैंक्स है मेरे पास। प्लैंक्स को अब हमें रखना है एक तरफ एक इकट्ठा, और इस तरीके से हमें एक डोर मिल जाएगी, और इस डोर को लेना है और हमें सही तरीके से इसे लगाना है। लगाते हैं इसे, मैंने पीछे की तरफ लगा दिया, अब इसे हटाना होगा, सही से लगाना होगा। लगा लिया पहला वाला, दूसरा, ओ फिर से गलत लग लग गया, टूट गया टूट गया, लग गया। चलो अब हमें कोल की के लिए लेना होगा, कोल की तलाश में चलना है। कोल हमें माइनिंग की तरफ में ज़रूर वहाँ मिल जाएगी कोल। मैंने कोल देखा था पीछे की तरफ जहाँ पर हम स्पॉन हुए थे, वहाँ से अगर हमें चाहे तो हम लोग कोल मिल सकता है, बहुत खोजना पड़ेगा शायद, क्योंकि अगर अभी हम लोग अंडरग्राउंड से कोल ढूंढने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत खोजना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे बहुत पेड़ वाला इलाका है, क्योंकि अभी टॉर्च की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग रात में रहेंगे तो हमें बहुत अंधेरा रहेगा, हमें वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आएगा। टॉर्च की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, देखिए अब रात होने वाली है और मुझे यहाँ पर कोल मिल गई है। कोल इस तरीका के रहते हैं, हमें कम से कम इसे 4 ले लेना चाहिए, एटलीस्ट 4 ले लेना ही चाहिए। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये कोल मिली है, अब इसे लेके चलना होगा। अब बहुत ज़्यादा रात हो रही है, मुझे अब ज़्यादा नहीं ले सकता क्योंकि अब रात हो रही है बहुत ज़्यादा जल्दी, अब क्योंकि अभी ज़ॉम्बीज आने का वक्त, मीन स्क्रीपर्स और फैंटम्स भी रात को आते हैं, क्योंकि अगर आप ज़ॉम्बी से किसी तरीके से बच गए, लेकिन आप फैंटम्स से नहीं बच सकते, क्योंकि फैंटम्स मीन्स एक तरीके के बैट होते हैं जो आपको, आप बाहर निकलते संग आपको मारना स्टार्ट कर देंगे। मुझे डर है कि मैं अपने कहीं घर ना भूल जाऊं। अब यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है और बहुत सारे अंडरग्राउंड मतलब, और हम हाँ अपने यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें अपना टॉर्च बनाना है। क्राफ्टिंग बॉर्च में डालना है, एक स्टिक रखना है और एक कोल रखना है। हमें यहाँ पर 4 टॉर्चेस मिल चुके हैं, अब अपने कोल को वापस ले लेना है और एक टॉर्च को लेना और एक कोने में लगा देना है, और इसके बाद दूसरे कोने में। अब हमें अपनी खुदाई स्टार्ट करनी चाहिए ताकि हम अपने हॉल रूम को और बड़ा कर सके और कुछ रूम्स बना सके। ये स्टोन से भी मैं एक पिकैक्स बनाने वाला हूँ, स्टोन पिकैक्स। मैं भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टोन पिकैक्स को कैसे बनाया जाता है, वो भी पिकैक्स की जैसे ही रहती है बट उसमें थोड़ी सी डिफरेंस रहती है बस।
सो गाइज, मैंने अपनी एक पहली एक रूम बना ली है, जिसमें एक यहाँ पर देखिए एक रूम और दूसरी रूम यहाँ पर, जिसमें मैंने गेट लगा ली। दूसरे वाले की वुड बची नहीं थी, इसलिए मैंने एक गेट नहीं बना पाया मैं। सो अब देखिए, आप देख ही सकते कि मैंने एक पिकैक्स बना चुके हैं। तो देखिए मैं इसे कैसे बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास दो स्टिक्स है, इस स्टिक्स को इस तरीके से रखने और ऊपर से एक वो स्टोन्स डाल देने हैं। और एक मैंने ये भी ले लिया, देखिए एक एक्स बनाया, तो एक्स को ऐसे बनाते हैं। सो अब हमें अपने आगे स्टार्ट करना चाहिए। सो अब मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, एज़ यू कैन सी कि मेरे हंगर का साइन आ चुका है। सो मुझे अब बाहर जाके लेना होगा। यहाँ पर फर्नेस में ही हम अपने सब कुछ बनाएंगे, अपने कुछ कुक करेंगे। फर्नेस इम्पॉर्टेंट है सर, तो आप फर्नेस बना के रखें हमेशा। शायद अब हम लोग बाहर जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि बाहर कोई क्रीपर या कोई स्पाइडर ना हो। ओनो, यहाँ पर एक स्पाइडर है। सो गाइस, हमें वापस अपने घर की तरफ जाना होगा। ओ वाओ, उसे मुझे मार भी दिया थोड़ा। सो अब हमें उसकी जाने का वेट करना होगा। सो गाइस, वो जा चुका है, तो अब हम लोग जा सकते हैं बाहर। और बाहर में कुछ सर्च करके कुछ खा सकते हैं, मतलब कि कोई मीट ईट ढूंढेंगे हम लोग, या फिर कोई फ्रूट्स। हो सके तो हम और कोल ले आएंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतना कोल है नहीं, हमारे पास सिर्फ 3 कोल बाकी है। और गाइस, मैं बता दूं कि अगर आप कोई स्पाइडर या फिर कोई क्रीपर को मारते हैं, तो आपको उसमें से एक्सपीरियंस मिलता है, और उसमें से आपको यूनिक थिंग्स मिल सकते हैं जो आपके आगे की स्टोरी में आपको काम आएंगे, मीन्स आगे की सर्वाइवल में आपको काम आएगी। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ ताकि मैं मुझे कुछ कोल्स मिल सके, लेकिन मैं वहाँ पर सीधा वहाँ पर जंप नहीं लगा सकता, क्योंकि वहाँ पर मेरे लाइफ जा सके। यहाँ पर मैं मर सकता हूँ किसी तरीका से यहाँ से निकल जाए। यहाँ पर अंधेरा भी है, इसलिए मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोल मिलेगा भी या नहीं। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई कोल मिलने वाला है। सो आई थिंक कि मुझे वापस जाके वहाँ पर शीप की तलाश करनी चाहिए, ताकि मैं उसमें से वुल ले सकूँ, क्योंकि वुल मुझे बेड बनाने की बहुत ज़्यादा काम आएगी। और रास्ते में अगर मुझे कोल्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी वो। टिल नाउ तो मुझे कोई शीप मिल नहीं रही है। सो गाइस, देखिए यहाँ पर मुझे एक शीप मिल चुकी है, तो अभी हमें इसे मारना है। और देखिए यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस के साथ ये एक मीट और कुछ वो उसके वुल्स मिले, ताकि मैं इसे बेड बना सकूं। और मुझे एक ही तरीके की शीप्स को मारने, मतलब कि अगर मुझे कोई ब्राउन या ब्लैक कलर की शीप्स मिली तो उससे काम नहीं बनेगा, मुझे एक ही तरीके की शीप से काम बनाना होगा। हमें एटलीस्ट 3 शीप्स को मारना होगा, ताकि हमें उससे मीट और थोड़े वुल्स मिल सके। सो हम इस ब्राउन वाले को नहीं मारेंगे, क्योंकि इसमें से कोई हमें वाइट वाले के तरीके ही चाहिए, या फिर ब्राउन, एक ही तरीके कोई 3 वुल्स चाहिए हमें। सो अब हम यहाँ पे मीट बनाए, क्योंकि हमें भूख लगी यहाँ पर। हाँ, हमने लकड़ियाँ नहीं ली। मैं कोल्स को यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि कोल्स मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है। सो मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ, तो हम लोग में इसमें एक्स बहुत काम की रहती है लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। और हम आगे जाके स्क्वाड भी बनाएंगे, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में अपनी इसी टॉपिक में भी बनाने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक कर दिए अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो। शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि सब कोई जान सके कि इस गेम को कैसे खेला जाता है। सो हमें यहाँ पर एक मीट को लेना है, इसको इनपुट पे रखना है, और वुड को हमें फ्यूल की तरफ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। रिजल्ट में हमें एक कुक्ड मटन मिलेगा, सो हमें वो ले लेना है।
और हमें वेट करना है कि तब तक इसकी दूसरी दो और मीट्स कुक हो जाए। सो अब हम इसे खा सकते हैं क्योंकि ये कुक्ड मीट है। क्योंकि अगर हमें अगर मैं इसे रॉ खाता तो मेरी जो लाइफ है वो नहीं बढ़ती। सो आई थिंक हमें इस वीडियो को यहीं ख़त्म करनी चाहिए। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा तो आप मुझे इसमें लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे कंटेंट्स लाता रहूँगा आगे। और वैसे भी मेरे और भी दो गेम्स हैं, डेडपूल और स्लीपिंग डॉग्स के ऊपर, सो उसे भी जाके देखिए। और सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।